थी जब प्रेगनेंसी चल रही थी, उसी टाइम पे सेम टाइम पे मेरी जो देवरानी है उसकी भी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो यहाँ से मैंने कुछ मतलब कुछ चीजें मैंने नोटिस कर। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो बिना देरी करते हुए आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, उसी टाइम से ही एक हमारे जो पेट पे टमी पे एक लाइन बनना शुरू हो जाती है, सीधी लाइन। तो उसका क्या मतलब होता है, बेबी बॉय मीन होता है या बेबी गर्ल मीन होता है, तो आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरा चीज़ ये है कि मेरी जब प्रेगनेंसी चल रही थी उसी टाइम पे सेम टाइम पे मेरी जो देवरानी है उसकी भी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो यहाँ से मैंने कुछ मतलब कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी कि हाँ ऐसा होने से ये होता है, ऐसा होने से ये होता है। तो वही चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी कि मैंने क्या फील किया, मैंने क्या देखा और क्या कितना सच होता है ये चीज़। वही चीज़ मैं आपको शेयर करूँगी। आपको इधर उधर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका डाउट 100% कम हो जाएगा, क्योंकि हर लेडी में क्यूरियोसिटी होती है कि उसको क्या होने वाला है, बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सच बता रही, आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें और ध्यान से सुनें समझें, तभी आपको मेरा वीडियो ये मतलब समझ में आएगा और हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारे जो टमी पे पेट पे प्रेगनेंसी के में जो लाइन बन जाती है, सीधी लाइन जो होती है उसका क्या मीन होता है, और जो जिगजैग वाली लाइन होती है उसका मीन क्या होता है। तो यहाँ पे मेरी जो प्रेगनेंसी चल रही थी, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने अपना इतना नोटिस नहीं किया था, मतलब थर्ड मंथ का बिल्कुल लास्ट आ गया था, तो मैंने अपना इतना नोटिस नहीं कर पाया था। और जो मेरी देवरानी थी उनका मैंने नोटिस किया था, उन्होंने मुझे दिखाया था तो मैंने देखा था। तो आप इस एक चीज़ से ध्यान रखना, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया होगा अपनी प्रेगनेंसी में, तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के थर्ड मंथ में एंड में ही से आपको लाइन वो शो होने लगेगी। ये बिल्कुल सच है। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया होगा तो वो जो लाइन है वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के थर्ड मंथ में आपको वो दिखने लगेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, समझ रहे, बिल्कुल स्ट्रेट दिखने लगेगी अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो। ये बहुत ही मतलब आप मानिए मेरी बात, ये बिल्कुल सही है। जब मैंने उसका देखा, उसने मुझे जब अपनी लाइन वो दिखाई थी, तभी मुझे अंदाज़ा उसकी टमी से और उसकी जो लाइन थी उससे मैंने तभी अंदाज़ा लगा लिया था कि हाँ इसके बॉय होने वाला है। लेकिन मैं शांत रही, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कि चलो देखते हैं, कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 6 महीने रह गए हैं तो पता तो चल ही जाएगा क्या होने वाला है। ये चीज़ मैंने अपने मन में रखी, मैंने उसे नहीं बताया, ठीक है। बिल्कुल लाइन उसकी थर्ड मंथ में ही बिल्कुल शो हो रही थी, बिल्कुल दिख रही थी, पतली सी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही थी। फिर मैंने अपना देखा के, ओके, मैंने अपना देखा के, तो मेरी नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, नाभि के नीचे तक, नाभि के नाभि जो होती है हमारी, नाभि से 4 से 6 अंगुल तक आप नीचे देखेंगे, ऊपर से स्ट्रेट लाइन अगर आती है, ऊपर से प्लस नाभि के नीचे तक स्ट्रेट लाइन जाती है, तो इससे बेबी बॉय होता है। जब मैंने अपनी देखी आके, तो
तो मेरी ऊपर से भी स्ट्रेट थी, नीचे स्ट्रेट आके हल्की सी जिगजैग हो गई थी, बिल्कुल लाइट सी। तो मुझे लगा कि शायद बेटी हो मेरी, तो मैंने ये चीज़ कहा कि चलो देखते हैं। उसकी पूरी स्ट्रेट है और मेरी पूरी स्ट्रेट होने के बाद हल्की सी बिल्कुल लाइट सी जिगजैग है, चलो देखते हैं, मैंने ये सोचा। समय बीतता गया, 6 मंथ जब हम लोग का आया, 6 मंथ 7 मंथ जब आया, तब मैंने उसका देखा, उसकी जो लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट एंड पूरी काली ब्लैक हो चुकी थी। ठीक है, पूरी स्ट्रेट पूरी काली हो चुकी थी। और फिर जब मैंने अपनी देखी तो मेरी भी वो जिगजैग जो हल्की सी दिख रही थी वो अब जिगजैग ना होके स्ट्रेट में बदल चुकी थी, पूरी ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट हो गई थी। तो फिर आपको इसका रिजल्ट तो पता ही है कि मुझे क्या हुआ है और मेरी जो देवरानी है उसको क्या हुआ है, ये बात तो आप तो जानते ही हैं, क्योंकि उसको भी बेबी बॉय ही हुआ है और मेरा भी बेबी बॉय हुआ है। सेम डे है, मात्र 20 डेज का ही डिफरेंस है दोनों में, दोनों बच्चों में 20 डेज का है। मेरी 31 दिसंबर को हो गई थी, उसका 20 जनवरी को हो गई थी। तो आपने ये चीज़ ध्यान दें, आप अगर आपकी भी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये चीज़ नोटिस करना है, 3rd मंथ में से ही अगर स्ट्रेट जा रही है, बाद में नहीं, 3rd मंथ से स्ट्रेट जाने लगी है, तो आप पहले ही समझ जाना कि आपको बॉय होने वाला है। इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर आपको 3rd मंथ से लाइन नहीं दिख रही है, वो लाइन आपको 6 मंथ से दिखना शुरू हुई है, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, आई होप। तो किसी किसी लेडीज़ की क्या होता है, लाइन होती है, किसी किसी की नहीं होती है। तो ये एक तरीका है बड़े बुजुर्गों वाला कि इससे हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमको क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीका है, किसी किसी के नहीं भी होता है तो क्या उसके होता नहीं है, बेबी बॉय होता नहीं है या गर्ल नहीं होती है, सब होता है। लेकिन ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो बस इतनी सी बात है और कोई भी बात नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया हो, समझ में तो आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे पता है। तो लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आप बिल्कुल भी 10 या वीडियो देखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब वीडियो में घुमा फिरा के बताते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि मेरे घर में 2 डिलीवरीज इकट्ठी हुई हैं, तो जो उसका था वो मैंने शेयर किया, जो मेरा था वो मैंने शेयर किया है, क्योंकि मैंने ये सारा देखा है। आदमी जब अपने ऊपर का देखता है ना, अपने पास वाले का देखता है, अपना ऊपर देखता है, तब उसको असल में सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो मुझे पता चली है, वही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। मेरा वीडियो अगर आपके पसंद आते हों तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़्यादा चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।